नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आपने क्लिक किया अपने YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपने एवरेज व्यू, रियल व्यू और ऑडियंस रिटेंशन जैसे सब जरूर सुने होंगे। तो ये क्या होता है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो जो है लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज व्यू के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एवरेज व्यू होता क्या है। एवरेज व्यू वो होता है जो कि आपके चैनल पे एक लगातार एवरेज में व्यू आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने चैनल पे रोज वीडियो डालते हैं, तो कभी आपका वीडियो 10,000 व्यू देखा जाता है, 20,000 देखा जाता है, ये होता है आपके वायरल होने के बाद। अगर लेकिन बिना वायरल हुए कोई वीडियो आपने डाला, उस पर वायरल नहीं भी हुआ है, वो वीडियो अच्छी नहीं भी बनी, उसके बाद भी उस पर कुछ व्यू आए हैं, तो वो जो व्यू होता है वो होता है आपका एवरेज व्यू। रियल व्यू होता है वो आपके जो रियल फॉलोअर होते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके वीडियो को देखना पसंद करते हैं, उनके व्यू होते हैं। और आपको बता दें कि ये व्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि यही व्यू जो होते हैं, जो 2 या 2.5 हजार जो रियल व्यू होते हैं, ये आपको स्टार बना सकता है, क्योंकि ये जो होते हैं आपके रियल व्यू होते हैं। आपको इस व्यू को प्राप्त करने के लिए आपको ना तो किसी टैग की जरूरत होती है, ना तो किसी ट्रिक की जरूरत होती है, और ना ही किसी टाइटल की होती है। ये जो आपके रियल फॉलोअर होते हैं, ये आपके वीडियो को देखेंगे ही देखेंगे, चाहे आप टैग लगाए, टाइटल बढ़िया सेलेक्ट करें या ना करें। तो ये जो होता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको वीडियो में ये भी बता दूं मैं कि आप इस रियल व्यू को, यानी कि जो आपका एवरेज व्यू, इसको बनाए कैसे रखते हैं। तो इसको बनाए रखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, आपको अपने जो व्यूअर होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, उनका दिल जीतना है। और इसके लिए आपको तरह तरह के चीजें करने होंगे। जैसे आपको आपके जो ऑडियंस ने आपके वीडियो के ऊपर कमेंट किया है, उसका जवाब देना पड़ेगा, आपके ऑडियंस के दिल की बात जानना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, उस तरह की चीजें आपको आपके ऑडियंस को देनी है। तो ये कई सारे तरीका होता है। इसके अलावा आप चाहे तो लाइव आके अपने ऑडियंस से जुड़ सकते हैं, या फिर Q&A कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करके भी अपने ऑडियंस से मिलके, ऐसे करके आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं, और ये बेहद जरूरी है। इसके वजह से ही आपका चैनल जो है ग्रो होगा। तो मैं अपने जो ऑडियंस से व्यूअर है उनसे जानना चाहूंगा कि हमारा जो वीडियो है आपका दिल कितना जीता है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।